दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बेंगलोर वर्सेस गुजरात के बीच खेले जाने वाले मैच नंबर 70 की एक सटीक भविष्यवाणी देने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि हमारे पिछले सभी मैचों की भविष्यवाणी बिल्कुल सही जा रही है और 10 मैचों की भविष्यवाणी सही होते होते गलत हो गई। अगर आप भी बेंगलोर और गुजरात को एक महान आईपीएल टीम मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल 2023 के लीग स्टेज के आखिरी मैच में रविवार 21 मई को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस की मेजबानी करेगा। गुजरात टाइटंस की टीम इस वक्त अंक तालिका में पहले स्थान पर काबिज है। आरसीबी ने आईपीएल 2023 में अब तक 13 मुकाबले खेलकर 7 में जीत दर्ज की और उसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इस आखिरी मैच को किसी भी हाल में जीतना होगा, जबकि दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की टीम पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में यह मुकाबला आरसीबी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों अगर आप लोगों को मैच प्रेडिक्शन, टॉस रिपोर्ट या फिर सेशन खेलना हो तो सचिन प्रेडिक्शन के साथ जरूर से जुड़ना। इनका 98% से ज्यादा एक्यूरेट काम रहता है और बहुत ही सही रिपोर्ट आपको देंगे। इनका व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इनका टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप एक अच्छी टीम बनाकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इनसे आप बात कीजिए और फुल प्रॉफिट कमाइए। आइए जानते हैं कैसी रहने वाली है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच। 2008 से आज तक इस मैदान ने 120 आईपीएल मैचों की मेजबानी की है। पिच पर शुरुआती सहायता से तेज गेंदबाजों को फायदा हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है उनकी इकोनॉमी दर बढ़ती जाती है। बेंगलोर की पिच दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में है, क्योंकि लक्ष्य का पीछा करना आसान होता है। इस मैदान पर औसत पहली पारी का स्कोर 166 रन है। आरसीबी द्वारा यहां अब तक का उच्चतम स्कोर 263 और सबसे कम स्कोर 82 है। कप्तान यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। आईपीएल में बेंगलोर और गुजरात के बीच अब तक सिर्फ 2 मैच हुए हैं, जिसमें एक मैच बेंगलोर को और गुजरात टीम को भी एक मैच में जीत हासिल हुई है। बेंगलोर और गुजरात दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए मैच के आंकड़े समान हैं, लेकिन आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन शानदार रहा है और गुजरात की टीम आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम भी है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि बेंगलोर वर्सेस गुजरात मैच को गुजरात ही जीतेगा। दोस्तों क्या है आपकी राय, आपके हिसाब से आज का मैच कौन जीतेगा, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और इस तरह के आईपीएल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।